आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ हमारे देश की जो पुरातत्व जड़े थी वो किस तरह से खोखली होती जा रही है। ये ऋषि मुनियों का देश, आयुर्वेद का देश किस तरह से अपने पहलू से बदलता जा रहा है। आधुनिकता के चक्कर में ये अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है। जिस भी समाज की जड़ें गहरी नहीं होंगी, जैसे पेड़ की जड़ गहरी नहीं होती तो जल्दी ही जमीन पर गिर जाता है, इसी तरह से यदि हमारे समाज की जड़ें इसी तरह से खोखली होती रही तो हमारा अस्तित्व मिटने में देर नहीं लगेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब नागरिकों को, देशवासियों को ये चेताना चाहती हूँ कि संभालो अपनी जड़ों को, इनको मजबूत करो, अपनी जेनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को संभालो, उन्हें संस्कार दो कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या होते जा रहे हैं। हम बदलते जा रहे हैं उस आधुनिकता के परिवेश में जिसका कि आधार कुछ भी नहीं है और सिवाय खोखलेपन के और कुछ भी आधार नहीं है। आए दिन हम देखते हैं टीवी पे एड, लड़कियों के नग्न फोटो उसमें एड के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है। क्यों नहीं हम अपने पुरातत्व को ध्यान में रखते हुए एड को दें? हम अपने पुरानी चीजों को क्यों भूलते जा रहे हैं? पहले प्रचलन था दातुन का, कभी कोई ऐड करता है दातुन की? हमारे नीम, बबूल, सभी आयुर्वेद के जो पेड़ थे उनको हमारी जेनरेशन को पता ही नहीं है, आज की जेनरेशन को क्या वो क्या होते हैं, जबकि उनसे अच्छा दांतों के लिए कुछ भी नहीं था। हमारी सेहत के लिए जो नीम और बबूल की दातुन थी वो सबसे बढ़िया थी, लेकिन आज की जेनरेशन को तो पता ही नहीं है कि नीम और बबूल की भी दातन की जाती है। ऐसे ही किसी भी फील्ड में चल पड़ो, कपड़े हैं वो सब आधुनिकता की तरफ, नंगा फैशन, नंगे डिजाइन, बच्चे फ्री हो चुके हैं, वो किसी की शर्म नहीं मानते, किसी का आदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आधुनिकता के परिवेश में ढलते जा रहे हैं। कमी हमारी है, माँ बाप की है, दादा दादी की है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को ये संस्कार ही नहीं दे पाते कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से पनपे हो, तुम्हारा पेड़ कैसे फल लाएगा। हम इस बात को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि अच्छे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएं, छोटी छोटी स्कर्ट पहनाएं, उनको आधुनिकता का परिवेश दे तो ही बच्चा उन्नति करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्नति तो हमारे देश में बहुत हुई है। हमारे पूर्वज इतने उन्नत थे कि आज का युग जो है, आज के युग के बच्चे हो ही नहीं सकते। उन पूर्वजों के ऊपर चल के ही ये जड़ें मजबूत हुई थी जिन्हें आज आधुनिकता की जड़ें खोखली करती जा रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें समझना चाहिए कि हम इसी तरह चलते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी तो हमारी जो वास्तविक पहचान है वो खत्म हो जाएगी। हमारी जड़ें इतनी खोखली हो जाएंगी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जड़ें कौन सी है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ तो उखड़ते जा रहे हैं। जैसे हमें ही ले लो, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पोता पोती हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे वास्तविक संस्कार क्या है। इसलिए प्रत्येक नागरिक से, इस देश के प्रत्येक सदस्य से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, मेरी ये नम्र भाव से विनती है कि अपने बच्चों को संस्कार दें कि हम कहाँ पैदा हुए, क्या हमारी संस्कृति है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में असफल हुए तो हमारी बच्चों की लाइफ भी असफल है। क्यों? क्योंकि वो इतने आधुनिक परिवेश में जा चुके हैं, न उन्हें उठने का पता है, न सोने का पता है, न खाने का पता है, न नहाने धोने का पता है, न पूजा पाठ का पता है, न आराधना का पता है, न बुजुर्गों की सेवा का पता है,
न आदर भाव का पता है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। आधुनिकता के परिवास में वे ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो देखते ही नहीं कि पास में क्या हो रहा है, कौन बुजुर्ग दुखी है, कौन हमारा भाई गरीब है, कौन अमीर है, किसके साथ हमें चलना है, किसकी सहायता करना है, सब कुछ भूल चुके हैं। सिर्फ अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी सुंदरता दिखाने के चक्कर में रहते हैं और ये सोचते हैं कि यदि तुम इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश बोलोगे, अच्छे अच्छे पार्टियों में जाओगे तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा नाम होगा। लेकिन हमारी सभ्यता ये नहीं है। हमारी ऊंचाइयां तो हमारी संस्कृति में है, हमारी ऊंचाइयां तो हमारे बुजुर्गों की सेवा में है, हमारी ऊंचाइयां तो अपने बड़ों की इज्जत करने में है। हमारा इतिहास उठा के देखो, हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखो, वो क्या बोलता है। समझाओ अपने आने वाली जेनरेशन को, अपने बच्चों को कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी जड़ें क्या हैं, हम कैसे मिलजुल के रहते थे, कैसे एक दूसरे की सेवा करते थे, कैसे एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। यदि कोई हमारे गांव में कम इंसान होते तो दूसरे गांव में जाके उसको जमीन भी देते थे, रहने खाने के लिए भी देते थे और उसे कहते थे कि भाई हमारे गांव में चल और वहां जाके रह ताकि हमारा भाईचारा बढ़ सके। लेकिन आज तो भाई भाई को दुश्मन हो चुका है, क्योंकि आधुनिक परिवेश जो है इसमें सिवाय आपाधापी के, सिवाय स्वार्थ के, मतलब के, अपने आप से मतलब के कुछ भी नहीं है। समझो ए मेरे देश के नागरिकों, समझो, सोचो और अपने को पीछे ले जाओ, अपने बुजुर्गों के संस्कारों में ले जाओ और उन संस्कारों को अपने आप से अपने बच्चों को दो, अपने पोता पोतियों को दो, ताकि हमारी जड़ें थोड़ी बहुत मजबूत रह सके और हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति वो जिंदा रह सके। मेरा आज का यही विषय है। जय हिंद।